पूजा पाठ सारे वो चीज मैं आप सब शेयर करना चाहती हूँ। ये सारे पल जो है ना बहुत यादगार पल हैं। पापा दोनों जीजाजी आए थे साथ में, छोटा भाई, भैया नहीं आ पाए थे, चारों तरफ उधर प्लास्टिक करता कि प्लास्टिक से जितने जो कचरे बाहर से है ना वो अंदर पानी में ना गिरे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सुबह बाबू को लंच वगैरह सब चीज लेके टिफिन करा के भेज दिए हैं स्कूल, क्योंकि सुबह से ना बहुत ज्यादा यहाँ पे साउंड में गाना बज रहा था तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई थी। और अभी देखिए बज रहे हैं 10 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी जा रहे थे हम नहाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है सारा कम्प्लीट, बस किए नाश्ता नहीं है, मतलब सारा बना के रेडी कर दिए हैं। और अभी कुछ कपड़े धो रहे थे, धो के जा रहे हैं पसारने के लिए, धो दिए हैं गमला में, बस उसको पसारना है। और सुबह से इतना परेशान हो गए थे ना, क्योंकि डू का भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, इतना ठंडा और गर्म मौसम है ना, और खास के मेरे मेरे आँख में थोड़ा सा असर कर रहा है। लोग बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा वीकनेस की वजह से ऐसा फील हो रहा है, पर नहीं पता ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इधर देखिए सारा हम एक ही बार खाना सब चीज रेडी कर दिए हैं, इधर देखिए सब खाना वाना सब रेडी कर दिए थे इधर और इधर। आज ऐसा दिन हुआ कि हम चाय भी सब कंप्लीट कर दिए हैं लेकिन पिए नहीं है, सोचे कि सारा काम कर लेते हैं ना उसके बाद हम फिर स्टार्ट करेंगे। और बाबू को भी धूप में सुला दिए हैं, तो इधर देखिए बाबू धूप में मस्ती कर रहा है, मस्ती नहीं कर छोड़ दीजिए, हम पसार दे रहे हैं अभी, कपड़ा था थोड़ा सा और ये भी नहाए नहीं है, काम करे कितना करते हैं तो लेट हो जाता है, स्कूल छोड़ना आना फिर देखना, काम भी देखना है, इसको देखना है, क्या आदमी करेगा। और पहले से इनका थोड़ा सा पहले से ठीक लग रहा है तबीयत, बट भी थोड़ा थोड़ा सर्दी खांसी भी है, तो सब बोल रहे ना ट्रांसपेरेंट कुछ चल रहा है ना मौसम की वजह से, देखिए कभी ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम हो रहा है। अभी ढेर घर में सुनने को मिल रहा है तबीयत खराब का, हमारे घर में देखिये बाहर का भी तबीयत खराब, फोन की थी आज कैसा हम कोई ट्रांसपेरेंट का काम, और कुछ लोग तो ऐसा मतलब फैला के रखे हैं ना कि ग्रहण है आज। अरे हाँ, 5 फरवरी फोन इसीलिए जिस पर सुनाया था मेरे पास कि आज ग्रहण है क्या, तो हम पूरा सर्च किए कहीं कहीं पता चल रहा कि है, कहीं बोल रहा नहीं तो बाद में पता चला कि डर लग, तो भाभी को लेके हाँ। फिर पता नहीं पूछे कि नहीं, फिर देखिए पूरा सर्च उच किए तो पता चला कि ग्रहण आज नहीं है। अमावस्या पूर्णिमा के होता है तब ना ग्रहण लगता है, कुछ है नहीं वैसा, लोग अफवाह फैला दिया है, उसके ऊपर जब फोन आया कि ग्रहण शायद है, हम कोई ना बोल नहीं है, मतलब बका गए थे, हर कोई बकाता है ना ग्रहण जो होता है, खाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, सूर्य ग्रहण सही ना, नहाई जल्दी से फिर हम भी नहाएंगे। तो बस अभी कपड़ा हम फटफट डाल लेते हैं, हमारा बेटू अभी मस्ती कर रहा है। हाँ जी, भतुआ है कि लौका है? है भतुआ नहीं है जी, कद्दू है वो, नहीं तो लग रहा है कद्दू जैसा, कद्दू है तो भतुआ थोड़ी होता है, भतुआ नहीं हाँ। दूसरा है भतुआ का दूसरा डर होता है, बड़ा नहीं हुआ यार, गल जा रहा है। और ये देखिए आप सब बोल रहे झूला को लेकर, क्या झूला है, एक गोठू नहीं रहता है झूला पर, चिल्लाना शुरू कर देता है ये, चप्पल यहाँ रखे कपड़ का लुका के हाँ, तब जाके वो नया वाला पहना ना तो वो भी नहीं छूता, छूए नहीं रहे थे तो। जब घर में कोई बीमार पड़ जाते हैं ना तो अपने की बहुत ज्यादा याद आती है, पर करे तो क्या, कोई अपना होता ही नहीं है जिंदगी में, हाँ जी उसे सब जलाना है, सब पुराना कपड़ा हो गया है, सब फंगल से लगा हुआ तो क्या करेंगे उसको रख के, कुर्सी को बनवाने का बनाएंगे इसको, चिट्ठी लग रहा है हाँ। लेकिन ये बोलता है कि लोहा नहीं है, चीटी नहीं लगा चाहिए, पता नहीं प्योर नहीं दिया होगा और क्या, इसको बनवाना बहुत जरूरी है, इतना महंगा चेयर खराब नहीं कर सकते ना, जाइए ना नहाइए जल्दी, फिर हमको भी नहाना है, हमको बाल बाल धो के नहाना है ना, तो गर्म नहीं चढ़ाए थे पानी, आप ही गलती है, हमेशा आप गलती करते रहिए और सारा हम सॉल्व करते रहे। लेकर जा रहे हैं उनके लिए चाय, देखिए यहाँ पे आज बहुत लेट हो रहा है, वीडियो भी जो आज का जाएगा बहुत लेट से जाएगा, क्योंकि आज अच्छा नहीं लग रहा था ना, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पाए। और हम लोग थोड़ा सा याद आ गया वो पल, क्योंकि आज है 5 फरवरी हम लोग का इस घर में आज 2 साल हो गया, बहुत लंबी जर्नी है इसके बारे में, थोड़ा सा हम क्लिप ऐड कर देंगे, क्योंकि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आए थे तो कैसे हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो रहा था स्टार्टिंग में ना, कैसे नहीं ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम लोग यहाँ पे रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, खैर कोई बात नहीं, बकरी कुत्ता सब भूल जाता था और किसी तरह से बांध बांध के रस्सी से रहते थे, और सबसे पहले हम लोग का दिक्कत था पानी का ना जी, पानी के लिए हाथ में फोड़ा हो जाता था, जब सूखता तब खोलते थे, एक फुट आधा फुट कर करके तब जाके क्लियर किए थे, बहुत हालत खराब हुआ था। तो हमारी जो यहाँ की जर्नी है बहुत बहुत मतलब क्या यादगार जर्नी है, वैसे भी अच्छा लगता है हम लोग वो चीज़ याद करते हैं तो,
यहाँ पे पहले खुराक तक रोकते लगाते थे और पानी भरते तो उसमें डुग बहुत छोटा थे, अब तो मेरे पास दो दो बेबी हो गए हैं, तब धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे ही। उसमें गिरने का डर होता था। दोस्तों भी हो चुका है दोपहर, दोपहर नहीं मतलब 3 बज ही गया समझिए तो। और देखिए मैं थोड़ा चाय बचा हुआ था तो हम चाय और ये गुड्डे बिस्किट खा रहे हैं। अकेले नहीं नहीं आप भी आ जाइए। वाह वाह सब बैठा रहूंगा। कुछ वो नहीं किया जी बाबू को डूबो दे दिए भाई खोल के ना सोच रहे ना खा रहे थे बहुत ज्यादा भूख लगा है। हाँ सब्जी में इतना सब कुछ कट कर रहे हैं सब्जी में, चावल बचा था हम बेचारे थे प्याज कट कर रहे थे भले बिस्किट और चाय खा लेते हैं कुछ तो खिला नहीं रहे हैं तो यही मीठा कर ले रहे हैं याद करके। कैसी याद करके? वो दिन याद कर ले रहे हैं। इसे प्याज डाल दी, देखिए इसमें क्या दिखा था, देखिए प्याज डाल दिए, प्याज का पत्ता। किनको पसंद है चाय बिस्किट जरूर बताइएगा, ऐसे हम ऐसा नहीं खाते, कभी भी मन करता तो खा लेते हैं। बहुत कम खाते आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा खाते हैं, ऐसा नहीं है, जब भी खाना नहीं खाते कभी कभी ऐसा गाला खाते हैं, साथ में खाना खाते हैं तो खाना बहुत चावल खाते हैं। खाते है कैसे कटना है? हाँ ठीक कट कर हमको भी काटने आता है वो तो मुझे दिख रहा है। धन्यवाद मन ने भूख लगा इसलिए आपको दूध चावल फ्रिजेस बनाता था सबसे आसान जो खाना है वो बना रहे हैं आज, वो भी मैगी मसाला डालकर। और ये मैगी मसाला खुद मंगवाए हैं क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगता है, बिना मैगी मसाला का खाना स्वाद ही लगता है। अच्छा लगता है चावल फ्राई करते हैं ना डालकर, बहुत यम्मी लगता है। सारा सब्जी डाल दी है यहाँ पे, कैसा लग रहा है? चावल है खैबर की? चावल है, चावल ठंडा हो गया ना तो सोचे कि हमारा एक सब्जी भी दोबारा क्या बनाना, फिर शाम का सब्जी का तैयारी करना होगा। चावल फ्राई आर उठा बाय कर रहा है, अभी चावल बचा हुआ तो थोड़ी थोड़ा खा लेंगे दोनों, वैसे ही मन नहीं है बिस्कुट खा ले चाय पीने एकदम मन। और हम लोग को ना भी एकदम सादा सादा खाना खाने के मन कर रहा है क्योंकि तबीयत किसी का अच्छा नहीं, बढ़िया सुना इसके चलते, और जितना उसके सिंपल ही खाना खा रहे हैं हम लोग, भुजिया चावल दाल भात चोखा दूध का भुजिया फिर मटर, ये सब अच्छा लग रहा है खाने में। और पत्ता गोभी कब से ला कर ये रखे हैं लेकिन हम बना नहीं रहे, सारा पता दिखाते हैं आप सबको। हम ये देखिए ये पूरा पत्ता कैसे हो रहा है, पक गया, पीला हो रहा है। बेसन के साथ ना इसको लपेटेंगे, लपेट के गोला गोला करके पहले इसको पानी में उबालेंगे, उसके बाद कट करके फ्राई करेंगे, सब्जी बनाएंगे ग्रेवी वाला, बहुत अच्छा लगता है खाने में। देते कब तक बना खाते हैं? पानी का बोतल देखे ना, जब स्कूल जा रहा था तभी हम बोतल लेके आ रहे थे पानी डालने के लिए, पानी हमारे है नहीं और ये बोतल से खेल रहे हैं, अब जाके याद पड़ रहा है, बताते भी नहीं रुके ना, क्या हीरो क्या हो रहा है। तो इधर देखिए हम भी चावल को फ्राई कर लिए हैं, सारा टमाटर वमाटर पर डाल दिए थे, बहुत यम्मी लगता है खाने में, अभी लेकर जाते हैं मिस्टर पतिदेव जी के पास, उनको बहुत जोरों की भूख लगी थी। क्या कौन खाएगा आजकल, ये जो है यहाँ सुतल थे ना यहाँ आ गए थे, क्या हुआ? खाना है गोलू को मम्मा के हाथ से नहीं पापा के हाथ से, चम्मच दिए नीचे नीचे पकड़िए और आप लोग अभी खाइए ठीक है, हम हाँ, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा बेटू, सिर्फ मिलेगा पापा को और बड़े भैया को मिलेगा। तो आजकल को केयर करना बहुत जरूरी है, यहाँ सुतल थे यहाँ गए थे। हाँ तो देखना पड़ेगा अभी, अभी ध्यान उधर लगा हुआ है। गो गो बोला गो, ठीक है मैं जा रही हूँ बाय। तो दोस्तों मैं शेयर करने वाली हूँ अपने घर का गृह प्रवेश, जिसके लिए देखिए सारी तैयारियाँ हो रही थी, सारा पूजा पाठ हो गया था, मम्मी ने सारा पूजा पाठ करके पूरा क्लियर कर दिया था और इधर चल रहा था खाने की तैयारी, क्योंकि हम लोग बहुत कम यहाँ पे जानते हैं, इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली बहुत कम लोगों को यहाँ पे जानती थी, और जिनको भी जानते थे यहाँ पे 2-4 लोग से हम जब बात होती थी तो वहाँ से मुलाकात हुआ तो कुछ उस लोगों को बुलाए थे। और देखिए कैसा हमारा घर था, कुछ पार्ट्स
पूजा पाठ सारे वो चीज़ मैं आप सब शेयर करना चाहती हूँ। ये सारे पल जो है ना बहुत यादगार पल हैं, और मुझे ऐसा लगता है ना कि सच में वो दिन बहुत अच्छा था, वो शुभ दिन था, वो शुभ घड़ी थी, जिसकी वजह से आज हमारा ये सपना भी था धीरे धीरे पूरा हो रहा था। इनफैक्ट हम सबका सपना था, और यहाँ पर धीरे देखिए हाई किए जा रहे हैं। और वो दिन था 5 फरवरी, उस दिन सरस्वती पूजा के मतलब हमारे घर में माता रानी का गृह प्रवेश हुआ था। मम्मी दीदी लोग सभी को पूजा पाठ करके ना एकदम थोड़ा सा हरासमेंट होता है, ठंड का भी मौसम था और उस समय में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी ना, लेकिन भगवान उस दिन हमारी प्रार्थना सुन लिए थे। और उस दिन देखिए धूप भी निकल गई थी, पापा तीनों जीजाजी लोग दोनों जीजाजी आए थे, साथ में छोटा भाई, भैया नहीं आ पाए थे क्योंकि रीज़न था घर पे, वहाँ भी देखना था, बड़ी दीदी, मतलब सब बहन लोग आ गए थे, सब कोई पूरे मतलब मेरा पूरा फैमिली चहल पहल सा लग रहा था। अच्छा लग रहा था जब फैमिली जब थोड़ा सपोर्टिंग होता है तो। चलिए वो सारे चीज़ें इसके बाद हम यहाँ पे खड़ा होकर ना बस इन्जॉय लिए जा रहे थे कैसे बुनिया छना रहा था। और सरस्वती पूजा का दिन तो माय गॉड मुझे यकीन नहीं था कि इतने सारे लोग आएंगे खाने के लिए, लेकिन जो भी था बहुत सारी फैमिली आसपास की आई थी, सब कोई भी जब खा के चले गए थे तो फिर हम लोग बैठ चुके थे खाने के लिए। बड़ी दीदी यहाँ पर सबको खिलाया जा रही थी और पतिदेव जी हमारा खूब चुस्कियाँ लिए जा रहे थे कि देखो कितना खुश है, मम्मी की जगह पर कितना इसको मज़ा आ रहा है, जब हम लोग खुद का घर होता तो कितना मज़ा आता। खैर कोई बात नहीं, आगे क्या होने वाला कोई नहीं जानता है। वहीं बड़े जीजू खूब मजाकिया कर रहे थे, बोल रहे थे कि अब जब गृह प्रवेश हो गया शादी भी करना होगा। फिर इधर देखिए कुछ दिन बाद यहाँ का वो पल है, कैसे हमने यहाँ पे कुआं किस प्रकार से गढ़ा था, इस गड्ढे से हम लोग पानी ले जाते थे, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है पहले से हमारे घर में। देखिए कैसे टाटी लगाकर छोड़ दिए थे और कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ना ही पन्नी था। और इसी बीच में मैं डुगू को लेकर बहुत मतलब टेंशन में रहती थी क्योंकि उस टाइम बहुत छोटा था बाबू, और इस छोटे की वजह से ना मुझे डर लगा रहता था, इसलिए चारों तरफ मैंने ईटा वगैरह दे दिया था ताकि जिससे कि वो मतलब प्रॉब्लम ना हो। और चारों तरफ उधर प्लास्टिक करता कि प्लास्टिक से जितने जो कचरे बाहर से हैं ना वो अंदर पानी में ना गिरे, क्योंकि इसी पानी से हम लोग नहाते धोते भी थे। और इधर देखिए डुबू के पापा सारा इंतज़ाम कर रहे थे, और ये जोमेटो को टी शर्ट पहने हुए हैं, पहले ये जोमेटो में ही काम करते थे, तो ये देखिए कहाँ से हम लोग झाड़ ला के ना सारा इंतज़ाम कर रहे थे कि शायद जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, इतना जल्दी जल्दी हो पाया ना, कुछ फैमिली इशू थी जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा था। और उसके बाद देखिए इनके पैरों में भी थोड़ा चोट लग गई थी तो वो ये दिखा रहे थे। फिर उसके बाद चारों तरफ हम लोग वहाँ पे ना पूरा झांकी जैसा कर दिए थे जिससे कि जो छोटा वाला जो बाबू है डुगू मतलब उसे सेफ रहे और उधर कुआं की तरफ ना जाए। देखिए उसमें मेरा बेटा चलता भी नहीं था गाइस, कैसा मेरा दिख रहा है मेरा डुगू, अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप मेरा पिछला ब्लॉग देख सकते हैं कैसे हमारी धीरे धीरे इस घर में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आप सब कैसे कहते हैं कि हमने इस घर में कुछ किया ही नहीं है, तो कैसा लगा आप सभी को? तो दोस्तों अभी हो चुकी है शाम और आप सबने पिछले साल का उसके पिछले साल का ब्लॉग देखा, जो कि जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना तो कैसा हम लोग का यहाँ का पूरा मतलब जो रहने सहने का था ना बिल्कुल बहुत चेंज हो गया है। हम चाहते हैं ना कि हर साल कुछ ना कुछ ग्रोथ होवे, और मम्मी की वजह से ही हम सब यहाँ पे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद माँ। और चलिए क्या बोले, आप देखे भी होंगे कि कल जब हम घूनी जो यहाँ पर रखे थे ना ये वही पत्ता है, बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, सारा बने से धो के रख लिए थे और ये बहुत अच्छा लगता है। आलू में मिक्स के सब्जी बना सकते हैं, लेकिन घर से कुछ पत्ता तोड़ लिए हैं, देखिए कुछ पालक है और साथ में कुछ यहाँ पे सरसों का पत्ता है, ये सारा पत्ता मिला के ना भी दोनों का साग बना देंगे, बहुत यम्मी लगा खाने में। तो बस उसी का तैयारी करने जा रहे हैं। अभी डुबो के पापा गए हैं पानी लाने के लिए, क्योंकि जो मतलब पानी पीते हैं ना वो पानी खरीदना पड़ता है पीने वाला। जो हमारा वहाँ पे बना हुआ है ना वो टेम्पोरी, बस सिर्फ पानी ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसको पीते नहीं, बस खाना वाना में डालते हैं, चावल वगैरह फिर साग सब्जी में बना कर डालते हैं, लेकिन उस पानी को हम पीते नहीं हैं। तो डुगू देखा नहीं था ना तो फिर चिल्लाना शुरू कर देता, उसको लेके नहीं गए थे क्योंकि इतना बदमाश हो गया है ना। अरे मेरे ऊपर हम यहीं बैठे हैं, यहीं पर लगा दिए, अंदर कर दीजिएगा बाद में। क्या चाहिए, इनको पता है पापा कुछ कुछ में लाते हैं, अभी लाएंगे तो कुछ जान नहीं बचे देना। आए हाय मेरा सामान था वो, नहीं वो अपना सामान लेकर चल गए। ऐसा पतिदेव है ना, नहीं सहाया बैठा नहीं सहाया ना। अच्छा थोड़ा सा भी बैठ जाएंगे तो भी शुरू हो जाते हैं, अभी हमको सारा हटाए हैं, उसे भी बिछा के रखना है। रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, पापा पापा पूरा हल्ला कर रहा था गेट के बाहर जाकर, उसको पास जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट किए ना उसको पता चलेगा कि पापा चले गए मार्केट, रो ही रहा था, इतना छोड़ दिए हम। फिर थोड़ा सा नहीं तो फिर दिए खाने के लिए उसको, तब जाकर चुप हुआ। वो सारी मेमोरीज जो आप सबने देखा, बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्लॉग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।